ईश्वर ही है और है कौन। ये इमोशन तुमको रिच बनाने के लिए आए हैं, तुम्हारा खजाना लूटने नहीं आए हैं। तो हर इमोशन आपको और परिपक्व बनाए। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे।
इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो जमीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले, सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तपर्पण करके
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो मंदिर में भी लोग आकर मूर्ख बना रहे फूल वालों को, मंदिर में भी तो लोग चप्पल लेकर जाते हैं लोगों की, तो ऐसा मत सोचो कि मंदिर में ऐसे कैसे लोग आते। तो सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के इमोशंस होते हैं, छोटे मोटे भी होते हैं। आप उनको कैसे देखने वाले हैं? तो गुरुजी ने जो संदेश दिया उसमें क्या क्या बातें थी, पहला तो खेल करके लो, इमोशंस को खेल करके लो, इसमें ही कई बातें सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, कुछ इमोशंस, कुछ ग्राहक आके क्या कहते थे दुकानदार को कि हमने मंदिर के पुजारी है, दक्षिणा दो। मैं मंदिर का पुजारी हूँ कह रहा है पर्सन, दक्षिणा दो। अब ये बेचारा दक्षिणा दे देता है, तो गुरुजी के संदेश में क्या था, दक्षिणा मत दो। ये इमोशन तुमको रिच बनाने के लिए आए हैं, तुम्हारा खजाना लूटने नहीं आए हैं। तो हर इमोशन आपको और परिपक्व बनाए, आपको गरीब नहीं बनाए। तो उनको सच्चा मानकर आप फंस जाते हो, तो फंसना बंद करो, सच्चा मानकर फंसना बंद करो, तरफदारी करना बंद करो। और फिर हर एक को कैसे टैकल करना है, यानी सभी को सेम फूल नहीं देने हैं, हर एक को उनके अनुसार फूल देना है। जैसे कोई पर्सन आया है जिसके चेहरे पर मैल लगी हुई है, मैल तो उसको मल है लगी हुई, तो कमल दो, मल लगी है तो उसको कमल दो। उसके चेहरे पर तेज कम है तो उसको सनफ्लावर दो, उसको सनफ्लावर दो। कोई पर्सन है जो मोटा और सुस्त है, यानी कोई इमोशन, पर्सन बोल रहे हैं यानी इमोशन, कोई पर्सन है मोटा है सुस्त है तो उसको गेंदा फूल दो, उसको गेंदा फूल दो। कोई पर्सन है जिसके बाल बिखरे हुए है तो उसको चंपा चमेली की दो, उसको चंपी चंपा चमेली की दो। और कोई खुश दिखेंगे आपको, कुछ खुश हैं तो उनको गुलाब का लाभ दो, उनको गुलाब का लाभ दो। तभी गुरुजी ने ये बातें बताई है। तो यानी हर इमोशन को कैसे टैकल करना है, क्योंकि उनको उनके अनुसार आपने फूल दिया तो ये जब मंदिर में अंदर जाएंगे ये समर्पित हो जाएंगे, मंदिर में जाएंगे वो फूल देकर समर्पित हो जाएंगे। यानी ये जो इमोशंस आते हैं मिटने के लिए आते हैं, आते हैं समर्पित होने के लिए। तो सही फूल दोगे, सही समझ से दोगे, समदृष्टि से दोगे, सजगता से दोगे, तो ये समर्पित हो जाएंगे। और अगली बार सेम इमोशन आएगा जब, तब कम सताएगा, वरना लोगों को सेम सेम इमोशन आते रहते हैं, पहले से ज़्यादा सताते हैं, और फिर जवानी ढल गई तो बुढ़ापे में और ज़्यादा सताते हैं। यानी समय के साथ क्या हुआ, इमोशंस और पावरफुल होते गए। मगर ये तरीके से क्या होगा, अगली बार आएंगे कम सताएंगे। ये कला देखने की कला से होने वाला है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।